जेल का फाटक टूट गया, हमारा आनंद मोहन हमेशा के लिए छूट गया। जिन्होंने कभी गुनाह किया ही नहीं, उनका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वह स्वर्ण पुत्र क्षत्रिय है। क्या स्वर्ण में जन्म लेना गुनाह है? जिस दिन गला में गला मिल रहे थे, क्या उस दिन उनके रिश्तेदार हो गए थे और आज दुश्मन हो गए? बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता नीतीश सरकार ने साफ किया तो बिहार सहित पूरे देश की सियासत तेज हो गई। कई राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोग इस रिहाई का विरोध कर रहे हैं, तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कई ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो आनंद मोहन के समर्थन में सड़क पर हैं। आज राजधानी पटना के वेद विद्यालय में कृष्ण कुमार कल्लू के द्वारा यहां पर हवन किया जा रहा है और तमाम जो इनके छात्रावास के बच्चे हैं वो यहां बैठे हैं, हवन कर रहे हैं। जेल का फाटक टूट गया, हमारा आनंद मोहन हमेशा के लिए छूट गया। आखिर किस बात का विरोध उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने कभी गुनाह किया ही नहीं? उनका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वह स्वर्ण पुत्र क्षत्रिय है। क्या स्वर्ण में जन्म लेना गुनाह है? मैं मायावती जी और सुशील कुमार मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग इसका विरोध कर रहा है, मेरा गुनाह सिर्फ यही है ना कि मैं स्वर्ण पुत्र हूँ? क्या स्वर्ण में जन्म लेना गुनाह है? मायावती जी, सुशील कुमार मोदी जी, उन तमाम लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को सद्बुद्धि के लिए आज हम लोगों ने हवन पूजन का कार्यक्रम किया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कृष्णा जी कि आनंद मोहन की आर में जो उन 25 से अधिक लोगों को छोड़ दिया गया, उनका क्या भैया, उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो किसी के पिता, बाप, बेटा, भतीजा नहीं है? सजा काट लिया उन्होंने, आनंद मोहन जी ने जरूरत से ज्यादा जिनको फंसाया गया था। यह विरोध आनंद मोहन जी का नहीं, यह विरोध क्षत्रिय पुत्र स्वर्ण पुत्र का विरोध है। आपको लगता है कि उनको फंसाया गया था, उनके खिलाफ साजिश रची गई थी? पूरी तरीके से आनंद मोहन जी को फंसाया गया था। उस वक्त जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया था, आनंद मोहन जी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे, जहां तक मुझे जानकारी है। और यह विरोध आनंद मोहन जी का नहीं है, यह विरोध उनका है जो स्वर्ण पुत्र कहलाते हैं। क्या मेरा जन्म लेना स्वर्ण में गुनाह है? आप तमाम लोगों को जवाब देना होगा और बिहार की जनता 2024 और 2025 के चुनाव में इसकी मुंहतोड़ जवाब देगी, खास करके स्वर्ण समाज और क्षत्रिय समाज के लोग। बीजेपी खुद को हिंदुत्व की पार्टी कहती है कहीं ना कहीं, और बीजेपी के लोग भी विरोध कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं भैया। उस दिन कहा गए थे सुशील मोदी, जिस दिन गला में गला मिल रहे थे, क्या उस दिन उनके रिश्तेदार हो गए थे और आज दुश्मन हो गए? ये ना स्वर्ण विरोधी हैं लोग। मेरा सिर्फ एक ही गुनाह है कि मैं स्वर्ण पुत्र हूं, आनंद मोहन, एक ही गुनाह है, स्वर्ण पुत्र होने का गुनाह है। जो रिहाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश सरकार का एक बड़ा हाथ है, उन्होंने कानून को बदल दिया है, तेजस्वी यादव भी सरकार में है, क्या लगता है तेजस्वी और नीतीश अब स्वर्ण विरोधी नहीं रहे? नीतीश सरकार जी के द्वारा एक अच्छी कार्य किया गया और ऐतिहासिक, जो उसके लिए दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सराहनीय काबिल तारीफ है। जी तो निश्चित तौर पे कृष्ण कुमार कल्लू जो अपने तमाम बच्चों के साथ राजधानी पटना के वेद विद्यालय में आनंद मोहन की रिहाई के समर्थन में हवन कर रहे हैं, तमाम जगहों पर विरोध जताया जा रहा है, कई जगहों पर समर्थन में लोग खड़े हैं। आनंद मोहन की रिहाई जो है उसका रास्ता साफ हो चुका है, नीतीश सरकार ने कानून बदल दिया और आनंद मोहन जो लंबे अरसे से, लगभग 15 वर्षों से भी अधिक समय से सलाखों के पीछे बंद थे, अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। तो वो देखना दिलचस्प रहता है कि क्या नीतीश सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है, क्योंकि जो IAS एसोसिएशन है वो भी एकजुट हो गई है। तमाम लोग यह कह रहे हैं कि नीतीश सरकार
ने जो फैसला लिया है वो कानून विरोधी है, इंसाफ विरोधी है। देखना दिलचस्प रहेगा कि अब सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। आखिर भैया ये सवाल उन तमाम लोगों से जाके पूछे जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।